गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं कंचन और आज आपके यहाँ शेयर करने वाली हूं। वैसे तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं कौन सा लुक आपके यहाँ शेयर करने वाली हूं, तो जी हां, मैं दुर्गा पूजा मेकअप लुक आपके यहाँ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्लम का टोनर यूज़ करूँगी। हाँ, इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम, जो कि अर्बन मॉडिटी का सीरम है और ये मेरा फेवरेट सीरम है, मैं इसे ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर, जो कि अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छा फिनिश देता है। इसके बाद फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन, और मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सारे अफोर्डेबल हैं, जो कि आपको इजी ही मार्केट में मिल जाएंगे और हर जगह अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं ले रही हूँ सिस ब्यूटी की कंसीलर, जो कि अभी मेरी फेवरेट कंसीलर है, इसी को मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा लेके अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई करूँगी और आई लिड पर। इसके बाद मैं इनसाइड लूज पाउडर ले रही हूँ, इससे मैं अपना कंसीलर और अपना फेस सेट करेंगे। तो मैं थोड़ा ही यूज करूंगी। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट। तो मैं पहले आईब्रो अपनी फिल करूंगी, उसके बाद आई शेडो अप्लाई करूंगी। के एक साइड इज फूली एंड इसके दूसरे साइड है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है ब्रश, तो काफ़ी अच्छा है, ट्विन वन है, जो कि दोनों एक ही ब्रश से दोनों काम हो जाएंगे। पहले हम अपनी आईब्रो को तरीके से कॉम कर लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों शेड को लेके अपनी आईब्रो को फिल करेंगे। मैंने ब्रश चेंज कर दिया क्योंकि मेरा ब्रश थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे सेकेंड इस ब्रश से मैं आईब्रो फिल करूंगी। इसके बाद यहाँ पे मैं दो वेट एंड वाइल्ड की किट यूज करूंगी। तो सबसे पहले मैं इस किट को यूज कर रही हूँ। इसमें से पहले ट्रांजिशन शेड जो दिख रहा है लाइट कलर का, मैं इसे लेकर अपनी आईलिड पर अप्लाई करूंगी और इसी में से इस रेड शेड को आउटर से इनर कॉर्नर तरफ की ओर ब्लेंड करूंगी। इस ब्रश की हेल्प से ये ट्रांजिशन शेड लूंगी। इसके बाद जो रेड शेड दिख रहा है इसे लूंगी मैं और इसे मैं आउटर से इनर कॉर्नर की ओर ले जाऊंगी ब्लेंड करते हुए इस तरीके से। इसके बाद मैं सेकेंड पैलेट में से ये जो मेटेलिक शेड है मैं इसे लूंगी अपनी फिंगर की हेल्प से। बीचों बीच इसे अप्लाई कर लेना है। जिस ब्रश से हमने रेड शेड अप्लाई किया था जस्ट उसी को लेके, हमें शेड नहीं लेना है एक्स्ट्रा, बस उसी को लेके हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्मच कर देना है। तो मैं आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लिटर यूज़ करूँगी और क्योंकि मन हो रहा है मेरा। इस पैलेट में से रेड ग्लिटर लेकर तरीके से हल्का हल्का अप्लाई कर दूंगी।
आप चाहें तो लुक सिंपल भी रख सकते हो या चाहें तो थोड़ा सा ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दुर्गा पूजा है भाई और इसमें रेडी ना हो तो बात बनती नहीं है। और इसी में से ये वाइट ग्लिटर लेकर उसको लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आ जाए रेड और वाइट का, तो मैं उसे लेकर इस तरीके से देख सकती हूँ। इसके बाद मैं मेबलिन का ग्लॉसर काजल यूज़ करूँगी, लोअर लैश लाइन और अपर लैश लाइन दोनों में यूज़ करूँगी। इसका जो रेड शेड लिया था ना, इसे लेकर अपने काजल को थोड़ा सा स्मच कर लेंगे। इसके बाद मैं लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं यूज करूंगी हाइपर कर्ल मस्कारा मेबलिन का। इसके बाद मैं यूज करूंगी फॉस लेसेस। जब तक हमारे आईलेसेस का ग्लू सूख रहा है तब तक हम फेस मेकअप कंप्लीट करते हैं। मैं इस पैलेट का यूज कर रही हूँ, सुस्मिता की पैलेट है, इसमें से मैं कॉन्ट्रोल के लिए भी यूज करूंगी और ब्लश के लिए भी इसी पैलेट का यूज करूंगी। सबसे पहले ब्लश के लिए मैं इन दोनों शेड को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। मैं नोज कंट्रोल भी करूंगी इस तरीके से। हमारा ग्लू काफी हद तक सूख गया है तो पहले मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्लश यूज करूंगी। इसके बाद मैं यूज़ कर रही थी पैलेट में से ब्लश, तो ब्लश के लिए मैं ये दोनों को मिक्स कर रही हूँ, लाइट एंड थोड़ा सा डार्क पिंक शेड दोनों को मिक्स करके गाल पे अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ जो कि मेबलिन का मास्टर क्रोम है, मैं इसे ही यूज़ करूँगी। मैं ब्रोबोन को भी इसी से हाईलाइट कर लूंगी और इनर कॉर्नर को भी इसी से हाईलाइट करूंगी। इसके बाद मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर, देखते हैं कैसा वर्क करता है, मैं इसे यूज करूंगी। काफी अच्छा है, स्मेल भी इसकी काफ़ी अच्छी है एंड वर्क भी काफ़ी अच्छा है। एकदम थोड़ा सा वो देख रहा होगा फेस में स्प्रे करने के बाद हल्का सा ग्लो भी दे रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वो ये सुंदर सा रेड शेड है, ये है लव अर्थ की लिक्विड लिपस्टिक एंड ये लिप पेंसिल है, तो सबसे पहले मैं लिप पेंसिल का यूज़ करूँगी। बहुत सुंदर शेड है लिटरली। आप लोग अगर इस शेड को ट्राई करना चाहे तो दुर्गा पूजा के टाइम डेफिनेटली इस शेड को ले सकते हो, बहुत मस्त वाली लिपस्टिक है। और इनका मैंने रिव्यू भी दिया है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर यहाँ पे कहीं शो कर दूंगी, तो डेफिनेटली ट्राई भी कर सकते हो। बहुत अच्छी लिपस्टिक है जो कि अभी दुर्गा पूजा आने वाली है उसके लिए तो मोस्ट ब्यूटीफुल शेड है। तो यहाँ पे मेरा फेस मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है, इसके बाद मैं आपको प्रॉपर रेडी होकर मिलती हूँ। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक। सो
कैसा लगा आप लोग को ये लुक? आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और मुझे भी ये लुक काफ़ी अच्छा लगा। सो बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि लुक कैसा लगा है। और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेती आऊँगी क्योंकि अभी इतने सारे त्यौहार आ रहे हैं, मतलब फंक्शन आ रहे हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं हर लुक ट्राई करूँगी और कुछ नया लाने की भी कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन होगा उसे हिट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और इन सब की लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।